हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ गैलरी से। गैलरी में खड़ी हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको गैलरी। और बाहर का मौसम बहुत गर्मी है, तो आइए करते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत। ये रही मेरी छोटी सी गैलरी जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा आयुष्मान भाव, और यहाँ से मेरे चंपा, और मेरे ये इसमें देखो चाइना ऑरेंज भी आने शुरू हो गया है। इसमें छोटे छोटे और भी आ रहे हैं चाइना ऑरेंज का। और ये रहा हमारा अमरूद का पौधा, ये बैंगन का। यहाँ बन रही हमारी चाय, ये हमारी और मेरी और मोहनलाल जी के लिए बन रही। ये बन रही कनिका जी। और यहाँ हमारा हो रहा है नाश्ता तैयार, क्योंकि रात को दाल बनाई थी, दाल बच गई थी, तो ये दाल बाटी कनिका बना रही है। मैं तो, मुझे तो नहीं आती बनाने के लिए, कनिका बना रही है। इसमें भी देखो दाल, प्याज वगैरह हरी मिर्च डाल के ये दाल बाटी बनाई है। ये इसमें दाल वगैरह लगा के, ब्रेड के ऊपर ब्रेड लगा के, फिर इसमें ये इसके अंदर ब्रेड लगा रखे हैं, मक्खन मक्खन यूज करती है ये इसमें। तो कनिका बना रही है हमारे लिए दाल बाटी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय हमारी बन गई है, बस मैं हमारी तो बन गई, बस कनिका इसमें दूध डालती हूँ। यहाँ पे मोहनलाल जी कर रहे हैं नाश्ता, ये चाय और ये जो टोस्ट, दाल के टोस्ट बनाए। सही बने? अच्छे बने? नू के हाथ के हैं, हैं? बहू रानी के हाथ के हैं, तो बुरा बोल भी नहीं सकते, तुम बोल के दिखाओ। ये अच्छे बने हैं, वो तो मुझे दिख ही रहा है। दाल दाल बीच में, हाँ ये देखो। कनिका मेरे लिए भी लेके आई है, कहे मम्मी आप भी खा लो। मैं मना कर रही थी, मैं कहा मैं नहीं खाती, तो कनिका कह लेंगे नहीं एक ले लो, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ मोहनलाल जी नाश्ता कर रहे हैं, गर्मी बहुत है। यहाँ मेरी चाय भी बन गई है। ये मोहनलाल जी सॉस लेना भूल गए थे, कनिका ने आके याद दिलाया पापा सॉस नहीं लेने। ये बिना सॉस के ही खा रहे थे। क्यों? मेरे लिए भी आ गया नाश्ता, देखो मैं भी कर रही हूँ। अब कनिका ने बनाया तो मैंने कहा खा लेते हैं, दो पीस मैं भी ले लूँगी। अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो नाश्ता हमारा हो चुका है, अभी लंच की ज़रूरत नहीं है। कनिका कह लेंगे अभी भूख नहीं है, तो मोहनलाल जी भी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता लूडो, तुम खेलो। तो कनिका कह रही है हम फ्री हैं मम्मी, हम खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी हम लूडो की गेम खेल रहे हैं कनिका के साथ। मोहनलाल जी भी खेल रहे हैं, आगे जाएंगे दोनों को। कनिका ने मना लिया पापा को कि पापा एक गेम खेल के फिर चले जाना काम पे, कनिका की बात नहीं टालते, है ना कनिका? कनिका की बात नहीं टालते मोहनलाल जी, तो अच्छी बात है ना। बेटी की बात तो, बेटी इतने प्यार से कह रही है तो वो खेलना चाहिए। गेम की शुरुआत हो गई है, मोहनलाल जी फर्स्ट चल रहे हैं, इसके बाद कनिका चलेगी। भूख ज्यादा नहीं थी तो कनिका कहने लगी मम्मी चावल बना लेते हैं पुलाव, तो हमने बनाया है प्याज प्याज आलू टमाटर शिमला मिर्च डाल के पुलाव बनाया है। ये बस बन गया, ये सीटी खानी है इसकी, मैं वेट कर रही हूँ सीटी आ जाए तो इसको बंद करूँ। आ गई सीटी, चावल का पुलाव हमारा बन गया है। मैं अभी ये दम पे आ जाए तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कैसे बना हमारा पुलाव। अभी अभी हम नीचे आए हैं, तो कनिका कहने मम्मी आपको घुमा के लाती हूँ चलो। तो कनिका और मैं घूमने जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, और हम आपको भी सैर कराएंगे बंजारा मार्केट की। मैं जा रही हूँ बंजारा मार्केट कनिका के साथ, कनिका लेके चल रही है मुझे। मैं कई दिन से बोलती हूँ मुझे वीडियो बनानी है बंजारा मार्केट की, न्यू बंजारा मार्केट। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पुराने बंजारा मार्केट की थी, जो 56 सेक्टर में है, जो आज का है वो दूसरे सेक्टर में। मैं बताऊंगी कौन से सेक्टर में पहुंचूंगी मैं आपको, जब दिखाऊंगी मैं। हमने गूगल से सर्च किया कि बंजारा मार्केट जो न्यू है वो कहाँ गई है 58 की, तो ये देखो हमें कौन कौन सा रास्ता दिखा रही है गूगल, और देखो हम कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं। और बंजारा मार्केट अभी हम नजर नहीं आ रही, बस हम घूम रहे हैं कि कहाँ है, एरो हमें दिखा रहा है कि इधर से आओ इधर से आओ। ये कैसा कैसा रोड है, गाड़ी कैसे हिल रही है हमारी, बिल्कुल एकदम सुनसान। मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ कौन सी बंजारा मार्केट लगी हुई है। हाँ गाड़ियां तो दिख रही हैं वो सामने, पर रोड अच्छा नहीं है। हम बंजारा मार्केट पहुंच गए हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही इतनी दूर है थी, और ये रास्ता इसका उबड़ खाबड़ था, और यहाँ पार्किंग एरिया। जब हमें गाड़ियां नजर आई ना तब हमें पता चला कि हम पहुंच गए हैं। पहले तो हमें लगा था हम गलत रास्ते आ गए हैं, लेकिन अब ठीक लग रहा है। बंजारा मार्केट नीचे लगी हुई है। मैं जिस बंजारा मार्केट की बात कर रही थी वो ये वो नहीं है, हमें गूगल ने गलत भेज दिया। ये भी बंजारा मार्केट है लेकिन ये न्यू बंजारा मार्केट, अब ये बन रही है,
क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो बंजारा मार्केट नहीं है जो मैं आपको ले जाना चाहती थी, जो मैंने देखी थी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे चेयर का सेट भी है, कितना सुंदर है। ये देखिए, ये झूला, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वो देखो सामने भैया बना रहे हैं। यहाँ पे एक डॉग मिला मुझे, मैंने थोड़ा सा इसको प्यार कर लिया तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। ये देखो, यहाँ पे नर्सरी भी है। ये देखो, ये पौधे लगे हुए हैं, ये नर्सरी भी है। ये देखिए, ये वही, ये भैया बता रहे हैं कि ये वही है जो मैंने देखी थी। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गई है गर्मी की वजह से, अभी ज्यादा वो नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो कह रहे सैटरडे और संडे ग्राहक बहुत अच्छा रहता है, आज ज्यादा वो नहीं है। मैं आपको जितनी है मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये अब कह रहे हैं ये परमानेंट हो गई है, मतलब अब यहीं लगेगी बंजारा मार्केट। कप, सारी कप्स की वैरायटी है यहाँ पे। कवर वगैरह, गद्दियां बहुत सुंदर सुंदर है, थैले। ये देखिए, कारपेट वगैरह सब कुछ है, ये पूरी भरी हुई है दुकान। ये देखिए, काफी अच्छी वैरायटी है इनके पास। ये देखिए, पिल्लो कवर की, यहाँ पे ये शोपीस भी है। ये लैंप देखिए कितने सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए शोपीस, टेबल्स, ये देखिए टेबल्स, चेयर, ये टेबल्स हैं सारी। यहाँ पे हमें एक और शोपीस की शॉप नजर आई है, इनके पास काफी अच्छे शॉपिंग हैं। ये देखिए लैंप वगैरह कितने अच्छे हैं। ब्रास के ये शॉपिंग हैं। ये देखिए, सारी शॉपिंग हैं और सारे अच्छे हैं। ये देखिए, माइक भी है। अच्छा लगा है लैंप का, इन्होंने जला के रखा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये तीन तीन है, इसमें तीन लैंप है, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है। ये देखिए, ये लैंप अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, इसमें वो घोड़ा बना हुआ ना, तो उसमें बहुत सुंदर है। ये भैया के पास काफी वैरायटी है। ये देखिए, ये कॉर्नर में रखने के लिए ना, इसमें शोपीस रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इनके पास मिरर, मिरर की वैरायटी इनके पास काफी है। ये देखिए, ये मिरर है सारे। शोपीस बहुत सुंदर है यहाँ पे बंजारा में, शोपीस आपको बहुत एक से एक शोपीस मिलेंगे, जो आप जैसे आप चाहते हो वैसे। ये देखिए सारे शोपीस हैं इनकी दुकान पे, काफी अच्छी वैरायटी है। ये देखिए शोपीस की, सामने लैंप भी रखे हुए हैं, टेबल्स भी हैं, मोर। ये देखिए, ये हाथी का सेट भी है। यहाँ पे सारी ये वुडन का यहाँ पे आपको मिलेगी वैरायटी। ये देखिए, डाइनिंग सेट भी है वुडन का, और आपको टेबल्स वगैरह। ये देखिए,
सारा वुडन का है यहाँ पे। इनके पास सारी वुडन की वैरायटी है, ये देखिए जितनी भी वैरायटी यहाँ पे है सारी वुडन की है। एक मुझे ये घड़ी अच्छी लगी सामने, ये देखिए घड़ी, देखो यहाँ पे शोपीस बहुत सुंदर है। ये देखिए ये सारी शोपीस की शॉप है बंजारा में। मेन तो सारी शोपीस ही अच्छे लगते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। ये देखो कितनी अच्छी वैरायटी है, लैंप देखो लैंप, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देख मेन बंजारा में सारी शोपीस ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए सारी शोपीस की दुकान भरी पड़ी है यहाँ पे, बहुत सुंदर है यहाँ पे शोपीस। ये लैंप, ये स्टैंड वाले लैंप है, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके पास वैरायटी और भी अच्छी है, ये देखिए न्यू वैरायटी है सारी शोपीस की। अपने घर को सजाने के लिए आप आ सकते हो यहाँ पे, सेक्टर 58 की मार्केट है, जो पहले 62 में थी अब यहाँ 58 में आ गई है। लोकेशन आपको गूगल से लोकेशन डाल के आना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा रोड है। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर वैरायटी, ये देखिए घोड़े, ये कभी पानी से खराब नहीं होती, कभी इसमें बहुत सुंदर है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टूल टाइप में है, ये देखिए कितने सुंदर है, ये दो का सेट और ये सेटी सेटी देखिए कितनी सुंदर है। ये दो का सेट है, ये दो दो का सेट है, ये देखिए कलर अलग अलग मिलेंगे आपको। और ये देखिए और यहाँ पे भी ये भी सेटी देखो कितनी सुंदर है। ये केतली और कप का सेट है, देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे ट्रे ट्रे का सेट आपको मिलेगा, ट्रे के कलर भी हैं, ये देखो व्हाइट में भी उसमें भी हैं कलर, ये सेट बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी ट्रे हैं, छोटी छोटी ट्रे, ये देखिए ट्रे हर तरह की है डिजाइन में कलर में, ये देखिए ये छोटी छोटी ट्रे हैं, ये मेरे को तो सारी ट्रे हैं इधर सारी, अब डोंगे वगैरह हैं। ये देखिए काफी बड़ी दुकान है, ये देखिए बोतल की डिजाइन में है, ये देखिए पत्ते की डिजाइन में भी ट्रे बनी हुई है, प्लेट्स बनी हुई है, ये सारी प्लेट्स हैं, देखिए कलर अलग अलग हैं, ये देखिए सारी ये प्लेट्स हैं, ये देखिए इन्होंने इस साइड सारी प्लेट्स लगाई हुई है, छोटी बड़ी सारी प्लेट्स हैं ये। और काफी अच्छी दुकान है, कप्स वगैरह सारे देखिए, फर्नीचर ये सारी टेबल्स वगैरह हैं, ये देखिए शॉप बहुत अच्छी है। हाँ जी यहाँ पे ये देखिए टेबल्स तैयार भी हो रही हैं, अगर आप घर के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से घर के जैसे भी तैयार करवाना चाहिए, यहाँ तैयार भी हो रही है। ये देखिए ये इसके ऊपर आप शोपीस रख सकते हैं, अंदर सामान वगैरह रख सकते हैं, ये भी है और भी है वैरायटी, ये देखिए अंदर, ये देखिए। हम बंजारा मार्केट आए थे 58 की मार्केट में, तो यहाँ मार्केट बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़ी है, तो हम थोड़ा लेट भी हो गए, जितनी मैं आपको दिखा सकती थी दिखाई है, किसी दिन फुर्सत में आके फिर पूरी शुरू से एंड तक पूरी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए तो एक ये शोपीस भी मैं चलते चलते मुझे नज़र आ गए, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं, देखो बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखिए। एक मुझे शेर बहुत अच्छे लगे हैं, ये वाले शेर मैंने कई जगह देखे हैं, कई शॉप पे भी देखे हैं, घर में भी देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये।
फर्नीचर कुर्सियां वगैरह बन रही हैं, ये देखिए तैयार कर रहे हैं, पॉलिश वगैरह कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इनके पास कारपेट हो गए, गद्दियां हो गई, स्टूल हो गए, काफी अच्छी वैरायटी है ये देखिए। कोई नहीं, फिर आएंगे, अब लेट हो रहे हैं बस। और ये डाइनिंग का सेट देखो कितना सुंदर है, ये देखो डाइनिंग सेट अच्छा लग रहा है ना, अंदर फर्नीचर वगैरह सारा है इनके पास। ये बंजारा न्यू मार्केट है सेक्टर 58 में, ये सेक्टर 58 की जो मार्केट, ये बंजारा मार्केट न्यू बनी है। अगर आप लोगों ने जब भी आना हो तो लोकेशन डाल के आना, ऐसे मत आना, लोकेशन डाल के आओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो काफी बड़ी मार्केट है, तो अभी कईयों को पता है कईयों को नहीं पता, तो लोकेशन डाल के आप आ सकते हो 58 की मार्केट में। ये देखिए बहुत बड़ी मार्केट है, मेरे आगे आगे कनिका चल रही है, मैं कनिका के साथ आई थी, ये देखो कनिका मुझे लेके आई। मैं थोड़ा जो आने का रास्ता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ऊंचा नीचा मतलब था, ये देखिए। और यहाँ देखो सामने, ये रही बंजारा मार्केट, सारी सारी बंजारा मार्केट है, और पक्की पक्की बंजारा मार्केट बन गई है। ये कह रहे हैं कि वहाँ से हटाइए ना 62 से, तो यहाँ पे बंजारा मार्केट पक्की बन गई है, काफी बड़ी है अंदर तक। ये सारी बंजारा मार्केट है जो मैं, ये लाइट्स वगैरह जल रही हैं, तो ये देखिए व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारा यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, काफी खुली जगह है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके नीचे जाना पड़ता है। बंजारा मार्केट से आ गए हैं, तो बस एक तो हम लेट पहुंचे थे, दूसरा फिर लेट मतलब टाइम तो ठीक था लेकिन थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, वहां का माहौल थोड़ा सा जो रास्ता था ना तो अच्छा नहीं था, सुनसान था बिल्कुल एकदम। जो सेक्टर 22 की मार्केट है वो उन्होंने वहां पहुंचा दी है, परमानेंट हो गई है वहां, लेकिन बाजार बहुत अच्छा लगा हुआ, काफी बड़ा बाजार था, लेकिन हमारे पास अंधेरा होने की वजह से थोड़ा डर लग रहा था, कनिका मैं अकेले थे, रास्ता खराब था जो बीच में बंजारा मार्केट या हमारे घर से जो बीच में मैरोली रोड का रास्ता पड़ता है वो बिल्कुल सुनसान था। तो कनिका कहने लगी मम्मी हम अकेले हैं तो यहाँ से निकलते हैं फिर कभी आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है, मैंने जितनी वीडियो लेनी थी ले ली, तो बाकी पूरा बाजार मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैं किसी दिन में जाके और मोहनलाल जी साथ में होंगे ना तो मैं पूरी वीडियो बना के लाऊंगी। बहुत अच्छा मार्केट लगी है, तो काफी अच्छी दुकानें लगी हुई थी। तो अब हम घर आ गए हैं, तो बस आते ही मैं पानी वगैरह पिया, तो अब खाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आज बनाए राजमा, तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं राजमा बना रही हूँ अभी। कनिका कह लेंगे मम्मी मुझे राजमा बना दो, अच्छे बहुत दिन से खाए नहीं है। तो रास्ते में आते आते फिर हमने थोड़ी सब्जी भी ली, सब्जी नहीं थी घर में खत्म हो, प्याज वगैरह खत्म थे तो मैंने एक दो सब्जियां ली, खीरा वगैरह नहीं था वो भी लिया, तो एक तरबूज लिया। तो गर्मी है खाने का मन करता है, मैंने कहा मैं आप काट के उसको फ्रिज में लगा देती हूँ, कनिका गई है जिम तो आएगी तो फिर मैं उसको काट के मतलब खिलाऊंगी तरबूज, तो ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ राजमा उबलने रख दिया, देखो सीटियाँ मार रहा है राजमा, राजमा उबल रहे हैं हमारे। और यहाँ पे ये देखिए तरबूज लेके आए थे, मैंने कहा दो इसे करके ना इसको फ्रिज में रख दी, ठंडा हो जाएगा ना, तब तक कनिका भी आ जाएगी जिम से, तो फिर कनिका को तरबूज खिला दूंगी। और यहाँ हमने दूध भी रख दिया उबलने के लिए, दूध नहीं उबाला था तो दूध पड़ा था, मैंने कहा शाम को देखेंगे, तो शाम को अब दूध खत्म था तो मैंने कहा अभी उबाल देती हूँ, तो ये दूध उबाला है, उबलने के लिए रखा हुआ है। राजमा उबल रहे हैं, उबल जाएंगे तो फिर इसको तड़का लगाते हैं राजमा को। मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, राजमा उबल चुके हैं, अब उसको तड़का लगा दी हूँ, बस उसके साथ बनाऊंगी रोटी, चावल दिन के पड़े हुए हैं तो वही मिक्स करके खा लेंगे, साथ में थोड़ा सा सलाद काट लेंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू, गुड नाइट।